तो हेलो भाई, मैं मोहित बिश्नोई ही आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर अपन बात करेंगे 2023 जो स्विफ्ट है बारे में। अपन पूरी जो जितनी भी डिटेल्स वगैरह वो सारी डिस्कस करेंगे एंड इसके अंदर अपन बताएंगे कि भाई स्विफ्ट जो है उसके जो मीथ वगैरह है, एवरेज वगैरह जो सारी चीज़ें उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे एंड पावर वगैरह पेट्रोल इंजन के अंदर कैसी मिलने वाली, क्योंकि पेट्रोल इंजन रहने वाला जैसे कि आपको फ्रंट के फ्रेम से देख के पता लग रहा होगा एंड देख के आप पता लगा लोगे। अपन इनसे पूरी बात करेंगे क्या इसकी माइलेज वगैरह सब कुछ के बारे में, अपना पूरा एकदम रियल ओनरशिप रिव्यू लेंगे एंड कैसे कैश सीरीज वगैरह कैसे परचेज की, कितने टाइम के अंदर इनको डिलीवरी वगैरह मिल गई, सारी चीज़ें अपन इसके अंदर बात कर लेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो। और तो गाड़ी जिनकी रहने वाले संदीप भाई हैं अपने जयपुर से, इनको अपना फ्रेम के अंदर लेके आते हैं, इनसे अपन बात करते हैं। तो पहले आ जाओ संदीप भाई। नमस्कार। तो ये अपने संदीप भाई हैं और अब ये स्टार्ट करेंगे। तो भाई संदीप भाई, ये अपने कौन सा वेरियंट रहने वाला स्विफ्ट का? ये अपने स्विफ्ट का VXI मॉडल है। एक महीने पहले परचेज किए इसको। एक महीना हो गया? एक महीना। एक महीना होने के बाद भी आप देख सकते हो गाड़ी की जो आप कंडीशन है, यहाँ पे काफ़ी स्क्रैच वगैरह आपको देखने मिलेंगे और मैं आगे आपको पीछे भी थोड़ा काफ़ी चल के दिखाऊंगा, काफ़ी स्क्रैच वगैरह इस पर गाड़ी पे आ रखे हैं। तो एक महीने के अंदर इतनी बुरी हालत कार की, तो ऐसा तो कोई करता नहीं है। बाकी इनसे पूछते हैं कैसे हुआ एंड बिल्ड क्वालिटी वगैरह के बारे में भी इससे अपने को पता लग जाएगा कि कैसा क्या इसका है। तो संदीप भाई आप बताओ अब कि मारुति गाड़ी आपने कब ली, कैसे ली और कितने की आपको पड़ी ये कार? ये मेरे को ऑन रोड पड़ी थी 7,75,000 रुपए की। अच्छा। और मारुति की गाड़ी इसलिए ली थी, थोड़ी रिलायबल है, लो मेंटेनेंस इसका। बाकी बिल्ड क्वालिटी की अगर अपन इसकी बात करें, बिल्ड क्वालिटी एकदम जीरो मिलती है, इसकी जीरो रेटिंग है ना, मैं इसे खुश भी नहीं हूँ बिल्ड क्वालिटी से। 7,85,000 के अंदर आपके पास काफ़ी ऑप्शन थे। हाँ। जैसे कि अपने टाटा एल्ट्रोज हो गई, इससे मेरे हिसाब से मेरे को पर्सनली उसका लुक भी एकदम अच्छा लगता है टाटा एल्ट्रोज का, लेकिन उसके अंदर गेयरबॉक्स के अंदर मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत दिक्कत वगैरह आती है, थोड़ा वाइब्रेशन वगैरह कुछ फील होती है। टाटा का ये आफ्टर जो सेल सर्विस है वो भी अच्छी नहीं है। अच्छा, वो भी है। मारुति जैसे स्विफ्ट के आज 7,85,000 में आपने परचेज किया, तो आप इजीली इसको सेल करोगे, साल दो साल ठहर के भी तो भी आपको 7,00,000 के आसपास इजीली अपने मिल जाएंगे, अगर अच्छी मिल जाती है एल्ट्रोज की। अगर टाटा की हो तो बाकी टाटा की आजकल रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी हो गई पहले से। तो एक क्रेज भी होता है, स्विफ्ट होती है। चलो वो आपकी इच्छा है बाकी तो, लेकिन लुक के मामले के अंदर अगर देखा जाए तो टाटा के अंदर अपने को बेस वेरिएंट से सनरूफ वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि स्विफ्ट के अंदर अपने को टॉप वेरिएंट के अंदर भी नहीं मिलता एंड टॉप वेरिएंट इसका काफ़ी कॉस्टली 10 से अबव भी चला जाता है कुछ। तो अगर आप 8,00,000 से ऊपर भी परचेज जाते अगर बजट बढ़ाते अपना, तो उसके अंदर भी अपने काफ़ी ऑप्शन मिल जाते इसके अंदर देखने को। तो आपने शायद आप कॉम्पैक्ट एसयूवी में भी जा सकते थे, तो ऐसी हुई वगैरह आपने क्यों परचेज नहीं की? गाड़ियां देखी थी। कौन सी? एल्ट्रोज भी मैंने देखी थी। अच्छा। पर मेरे को वो फील नहीं आया उसके अंदर। और जैसे मैं थोड़ा सा अगर बजट मेरा बढ़ाता तो किया कि सोनेट भी आ सकती थी। सोनेट आ सकती थी, नेक्सोन आ सकती थी, बट काफी अच्छी थी। ठीक है, रिलायबल कार है, इजी टू वे है। तो वेटिंग वगैरह जो अपन ने इस बारे में बात करें, तो वेटिंग वगैरह आपके क्या कुछ पड़ जाती है इसकी? इसकी वेटिंग तो कुछ नहीं, हमने बुक करवाई थी, बुक करने के कंपनी वालों ने 2 दिन बाद में गाड़ी दे दी। तो आपने जयपुर से परचेज की थी या बाहर से? जयपुर से करी थी, मानसरोवर से करी थी। तो आपको 7,85,000 में कोई ब्लैक मनी वगैरह कुछ नहीं देना पड़ा और आपको ऑन द स्पॉट कार मिल गई, क्लियर गाड़ी। और बुकिंग अमाउंट? बुकिंग अमाउंट मैंने 21,000। तो भाइयों आप लोगों को अगर बुक करानी हो तो आप 21,000 डाउन बुकिंग अमाउंट देके आप इसको बुक करा सकते हो एंड फाइनेंस वगैरह सारे अपने शोरूम पे अगला आप इच्छा हो उस पर हिसाब से ले सकता है। बाकी भाई के पास अगर पैसे प्रेजेंट पड़े थे तो इन्होंने कैश के अंदर पूरी कार को परचेज कर ली। तो अपन अब बात कर लेते हैं गाड़ी के अंदर इनको रिव्यू में कि भाई गाड़ी इन्होंने जो चलाई है, कितने किलोमीटर चल गया अभी टोटल कार? ये अभी 10,000 चल गई। 10,000 टोटल चल चुके हैं। 10,000 के अंदर इनका पूरा ओनरशिप रिव्यू ले लेते हैं, पूछ लेते हैं कि भाई गाड़ी चलाने के बाद कैसा लगा, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह एंड सारी चीज़ें बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इंजन के पावर वगैरह की, तो इंजन का पावर आपको कैसा लगा? मेरे पास पहले डीजल की थी। हाँ, लेकिन डीजल अभी बैन कर दिया गवर्नमेंट ने धीरे धीरे। जैसे आप अगर देखोगे तो नोएडा दिल्ली वगैरह अगर आप उधर की बात करें, तो उधर तो जो BS4 फेज के अंदर जो कार थी जिन्होंने 2019 से 2020 में भी लिया ना, उनके भी अब 2 या 3 साल के अंदर गाड़ियां बैन हो चुकी है, वो लोग अब दिल्ली वगैरह वहाँ चला नहीं सकते अपनी कार को। तो यार उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यार उनके साथ एक बड़ी नाइंसाफी सी हुई है यार इस बारे में अगर देखा जाए तो। चलो बाकी पेट्रोल के अंदर आ रही, डीजल के अंदर अभी अपने को अवेलेबल भी नहीं है, अगर डीजल होती तो आप शायद डीजल ही लेते मेरे हिसाब से। 100% डीजल ही लेते।
तो अब आप इसके बता दो पावर वगैरह के अंदर एवरेज वगैरह माइलेज वगैरह क्या मिलती है? माइलेज तो जो कंपनी क्लेम करती है वो तो मिलती नहीं है। अच्छा, माइलेज ये मेरे को सिटी के अंदर अभी जो दे रही है वो दे रही है 13-14 बस। पेट्रोल है लगभग इसका नाम माइलेज है। हाँ, हाईवे के अंदर इसका माइलेज बहुत बढ़िया है, ये 23 तक दे देती है अगर धीरे धीरे चलाएं तो। धीरे धीरे चलाएं और सिटी के अंदर भी अगर अपन धीरे धीरे चलाते हैं तो अपने एवरेज मेरे हिसाब से 17-18 का तो 16 से ऊपर नहीं देती। हो सकता है या तो बाइक अगर 10,000 किलोमीटर चली या क्या पता सर्विस वगैरह नहीं हुई उस कारण भी अगर थोड़ा बहुत कम हो, क्या पता फर्स्ट सर्विस के बाद थोड़ा बहुत इंप्रूव हो जाए, एक दो का कुछ बढ़ जाए तो बात अलग है। बाकी हाल फिलहाल जो कार है जो 16 से ऊपर एवरेज अपने को अभी दे नहीं रही है। तो अब गाड़ी के साइड से अपन पूरा दिखा देते हैं कि भाई गाड़ी अपने कैसी रहने वाली है। देखो आप छोटी मोटी इनके अंदर स्क्रैच वगैरह डेंटिंग वगैरह काफ़ी, मतलब एक महीना भी नहीं हुआ परचेज किए और एंड गाड़ी काफ़ी जगह से लग चुकी है। तो ये देखो आप बिल्ड क्वालिटी इसकी एकदम पूरी, अपने को पता ही है मारुति की एकदम बेकार रहने वाली है। बाकी बिल्ड क्वालिटी तो एकदम थर्ड क्लास है इसकी, मतलब एक पत्थर आ जाए ना छोटा सा और वो गाड़ी के लग गया ना तो भी। आपको एक मैं चीज दिखाता हूँ जेन्युइन चीज। हाँ, ये एक कुत्ता था। अच्छा, वो कुत्ता यहाँ पे ऐसे हल्का सा टच हुआ था, आप देख सकते हो ये यहाँ से अंदर बैठ गए, सिर्फ एक कुत्ता टच हुआ था, एक कुत्ते से इतना पूरा हो अंदर गया। आप देख सकते हो ये बिल्ड क्वालिटी है मारुति की। तो बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो अपने पता ही सबको कि मारुति एकदम बेकार है, पर जिसको लेनी होती है वो बिल्ड क्वालिटी भी नहीं, बिल्ड क्वालिटी वगैरह देखते नहीं है। तो ये अपने बात हो गई। एंड आपने जैसे शोरूम से परचेज की थी, मैंने इसके ऊपर देखा आपने काफ़ी एसेसरीज वगैरह लगा रखी है, तो कंपनी वालों ने आपके ऊपर कोई प्रेशर वगैरह डाला था? कई लोग कहते हैं भाई, कंपनी वाले कहते हैं कि भाई अगर आपको लेनी है परचेज करनी है तो आपको पहले एसेसरीज वगैरह कुछ खरीदनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ भी आपके साथ हुआ या नहीं हुआ? कंपनी वालों ने ना तो मेरे को फोर्स किया एक्सेसरीज के लिए, और जब मैंने गाड़ी ली थी मैंने एक भी एक्सेसरीज नहीं ली। अच्छा, सिंगल। तो ये आपने शोरूम से लगाई आफ्टर मार्केट? हैंडल का कवर है। अच्छा, वो गिफ्ट किया था उन्होंने अपनी तरफ से। हाँ, बाकी मैंने एक भी एक्सेसरीज नहीं ली, ना मेटिंग ली, ना डोर वाइजर, सब जो भी किया मैंने आफ्टर मार्केट ही लगवाया था, ना कंपनी की तरफ से मुझे कोई फोर्स हुआ था कि आप एक्सेसरीज परचेज करो। तो आपने सारा पूरा जो भी सारा ओल्ड सारी चीज़ आपने बाहर से लगवाई है? बाहर से। तो ये था अपना कुछ एसेसरीज वगैरह के बारे में। कई लोग कहते हैं कि भाई एसेसरीज जो है कंपनी वाले से महिंद्रा के अंदर काफ़ी चलता है, कोई अगर स्कॉर्पियो क्लासिक वगैरह लेनी चाहे तो उनके ऊपर अगर बात करते हैं शोरूम के अंदर भाई हमको स्कॉर्पियो क्लासिक चाहिए तो पहले तो ये बोलते हैं या तो बुकिंग या तो आप ब्लैक के अंदर 50,000 से 1,00,000 रुपये ऊपर दे दो, या फिर वो एसेसरीज के लिए फोर्स करते हैं अपने को कि भाई एसेसरीज ले लो। मैंने भी थोड़ा टाइम पहले एक बार बात की थी किसी को ऐसी लोन परचेज करनी थी, उस बारे में बात करके तब उन्होंने ये कहा था कि भाई अगर आपको ऐसी लोन चाहिए तो दे देंगे, लेकिन आपको गाड़ी की एसेसरीज कम से कम आपको 40-50,000 आप परचेज करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा भैया फिर टॉप वेरिएंट लेने का फायदा क्या एसेसरीज परचेज करनी हो तो? ये तो अपन बेस वेरिएंट में भी अपन कर सकते हैं, अगर बेस वेरिएंट दे दो आप मेरे को, मैं एसेसरीज परचेज करूँ, बोला बेस वेरिएंट आपको मिलेगा नहीं। तो ये चीज़ अपने को मारुति के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती, ये चीज़ तो बढ़िया अपने मारुति के अंदर फिर तो। एंड आपको कार डिलीवरी वगैरह आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर? डिलीवरी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, जो हमारे सेल्स जो थे एग्जीक्यूटिव वो बहुत ही अच्छे थे, लोकेश जी थे। अच्छा, बहुत ही बढ़िया आदमी थे, उन्होंने बहुत बढ़िया डिलीवरी का एक्सपीरियंस मारुति का सबसे बेस्ट था मेरा तो, बहुत ही बढ़िया। हाँ, ये कंपनी की तरफ से मिले थे। भाई ने जो फोगलैंड का बात से कराया वो चीज़ उन्होंने अच्छी कराई है, मारुति का अगर जेनवन था वो उनके फायदे में थी। मैं बात कर लेते साइड की, तो पहला आप देखते थे जो बेस वेरियंट आता था, फिर नीचे वाला वेरियंट जो आते थे अपने को VXI वगैरह, तो उनके अंदर अपने को इंडिकेटर्स की प्लेसिंग भी यहाँ पर मिलती थी। तो मारुति ने यहाँ पर भी जो अपने को काफ़ी एकदम प्रीमियम से अच्छी फिनिशिंग मिलती है, अगर अपन अमेविल वगैरह और हेडलाइट अगर चेंज कराते हैं फोगलैंप लगाने के बाद अपने को कार एकदम टॉप वेरियंट लगती है, कोई पहचान नहीं सकता कि भाई बेस वेरियंट है टॉप वेरियंट है। तो ये मेरे को अच्छी चीज़ लगी, मेरे हिसाब से फोल्ड साइज ही होते हैं। नहीं नहीं, फोल्ड नहीं होते, फोल्ड और एडजस्ट अंदर से एडजस्ट हो जाते हैं, बट मैनुअल इलेक्ट्रिकल एडजस्ट के हिसाब से प्रयोग हो जाते हैं, अंदर वाले जो वारियम है इलेक्ट्रिकल एडजस्ट हो जाते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी फोल्ड वगैरह का इसमें अंदर कोई ऑप्शन मिलता नहीं है। तो बाकी अपन बात कर लेते हैं फील एक्सेंशन वगैरह के अंदर, बड़ा कोई देखने मिलने वाली है फील सेकेंड, इसको ओपन करना पड़ता है डोर को, तो डोर को अगर बंद करके देख लेते हैं क्वालिटी अपने को।
ठीक ठाक मिल जाती, बाकी मेरे को इतनी लगी नहीं कुछ इनकी, बाकी फिर भी पहले के हिसाब से मेरे को थोड़ी बहुत ठीक ठाक लग रही है इसकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी वगैरह। और अपने को पीछे ये तो मेरे हिसाब से एक्सरीज का पार्ट आपने लगवा रखा है, ये आपने आफ्टर मार्केट ही लगवाया? हाँ ये आफ्टर मार्केट। तो ये आपने स्क्रू वगैरह से चेंज करा नहीं कराया? सर नहीं खाड़ी कैसे आपको मन करके चेंज कराने का? अब वो शौक होते हैं, शौक बड़ी चीज़ होती है। मैं ये आपको क्या कुछ ठीक करा? ये 1500 रुपये। 1500 रुपये। रात को ये थोड़े से ब्लैक फिल्म की वजह से मतलब दिखा नहीं, पीछे एक खंभा था तो सेंसर में आवाज़ आई नहीं, सेंसर में आई थी वो थोड़ा म्यूजिक लाउड था तो आवाज़ वैसे नहीं। यार आप वो जेड ब्लैक वगैरह से अलाउड ही नहीं है बैन है अपने। हाँ मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करता जेड ब्लैक, बट पीछे सेफ्टी रही तो उसकी वजह से रख रखते हैं। बाकी भाई मैं भी आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग जेड ब्लैक से कराओ, इन्होंने जेड ब्लैक करा रखे हैं तो इन्होंने अपने कोई अपने पर्पस के हिसाब से करा रखे हैं। आपको किसी को मैं रिकमेंड नहीं करता, आप कभी भी जेड ब्लैक शीशे वगैरह कराते हो तो आपको ब्रेक चलान वगैरह कुछ भरना पड़ सकता है मेरे हिसाब से। इनको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, कई बार पुलिस वाले इनको रुकवाते हैं, कई अपने जो भी हैं सिक्योरिटी रीजन वगैरह जो भी हैं वो बताते हैं उनके हिसाब से, उनके जो भी होता है वो ये जानने में काम करें। बाकी आपको नहीं कराने चाहिए चीज़ें तो लोग अपना गए। अब साइडों से पूरी बात होगी, यहाँ पे अपने वो पेट्रोल का टैंक देखने को मिल जाता है एंड ये सब कुछ साइड से हो गया। एंड रियर पे तो डोर हैंडल है, डोर खोलने को ओपन करिए अपने यहाँ ऑप्शन मिल जाता है एंड फ्रंट ग्लास भी मिल जाता है। तो बाहर का मैंने ऑलमोस्ट सारा आपको बता दिया एंड अब बात करना था गाड़ी के अंदर चल के गाड़ी का नंबर इंटीरियर है तो इसके नीचे ही वेरियंट अपने वो कैसा देखने को मिल जाता है तो वो अपन बात कर लेते हैं चल के। तो भाई हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं एंड गाड़ी के इंटीरियर के अंदर इंटीरियर के बारे में अपन बात कर लेते हैं। इंटीरियर के बारे में अगर अपन बात करें तो अपने को VXI वेरिएंट के अंदर भी अपने को ये क्रोम डोर हैंडल मिल जाते हैं जो कि अपने को पहले खाली ZDA या ZDA प्लस के अंदर अपने को देखने को मिलते थे, ये अपने को VXI वेरिएंट के अंदर भी अपने को देखने को मिल जाते हैं जो कि अपने एकदम टॉप मॉडल सी फीलिंग अपने को दे देते हैं इसके अंदर। और साइड में अपने को यहाँ पे एकदम कपड़ा सा लगा हुआ मिल जाता है जो कि ठीक से ठीक ठाक है एंड यहाँ से अपने को गेट डोर को बंद करने के लिए यहाँ पे हैंडल मिल जाता है अपने को बंद करने के लिए। और यहाँ पे अपने को पावर विंडो मिल जाती है, पावर विंडो अपने को VXI वेरिएंट से अपने मिलनी स्टार्ट हो जाती है। साइड LXI के अंदर फ्रंट वाले टू डोर्स के अंदर आती है एंड रियर डोर के अंदर अपने को मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ती है पावर विंडोज। तो अब यहाँ पे अपने देखें तो ये अपने को डैशबोर्ड मिल जाता है कुछ ऐसा देखने को और ये इंफोटेनमेंट रहने वाला है जो कि अपने बटन्स जो हैं इसके वो टच रिस्पॉन्स वाले हैं लेकिन ये बटन्स के अंदर अपने को देखने को मिलता है जो कि अपने को एकदम नॉर्मल सा मिल जाता है जो मारुति की तरफ से अपने को मिलता है एंड अपने एसेसरीज के तौर पे अपन बाहर से लगा सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से अगर जो ओरिजिनल जेन्युइन चीज़ है वो जेन्युइन चीज़ ही होती है, एकदम बढ़िया काम करता है इसके अंदर। जो साउंड वगैरह कोई बाहर से अगर साउंड का शौकीन आदमी है तो साउंड वगैरह कुछ अपने लगवाता तो उसके लिए एकदम बेटर चीज़ है। तो ये अपने को इसके अंदर 4 AC वेंट्स मिल जाते हैं फ्रंट की तरफ एंड मेरे हिसाब से इसके अंदर रियर में AC कुछ नहीं मिलती ना अपने को, यहाँ पर मिस्ट वगैरह मिलता है, खाली एक अपने बोटल होल्डर मिल जाता है देखने को एंड इसका हैंड ब्रेक हो गया और यहाँ पे एकदम नॉर्मल सी स्पेस है। और यहाँ अपने को 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं और ये अपने यहाँ पे अगर अपन बात करें तो एक चार्जिंग अपने को पॉइंट मिल जाता है 12 वोल्ट का, यहाँ पे USB मिल जाती है, यहाँ पे अपने को ऑक्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये हो गई अपने यहाँ की बात। मेरे हिसाब से ब्लूटूथ वगैरह भी कभी इसके अंदर ऑप्शन है हाँ तो ब्लूटूथ से अपने इसको कनेक्ट वगैरह कर सकते हैं और अपने इसको स्टीरियो को। और ये अपने यहाँ पे मैनुअल AC के कंट्रोल्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और ये अपना हो गया फ्रंट का। और यहाँ पे अपने को 2 एयरबैग मिल जाते हैं, एक तो अपने यहाँ पे मिल जाता है और एक अपने इधर की तरफ मिलता है और ये इसका कुछ अपने को ग्लव्स बॉक्स देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ की बात हो गई एंड अपन बात करते हैं अब इसके हैंडल की। हैंडल की अगर अपन बात करें आपको ये कंपनी की तरफ से ये आपको गिफ्ट के अंदर मिला था? ये गिफ्ट के अंदर मिला था। और यहाँ पे अपने को हैंडल के पूरे सारे कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं और ये अपने को फ़ोन के कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि अपने ब्लूटूथ वगैरह हो गए और सारी चीज़ें यहाँ अपने को देखने को मिल जाती है। और मेरे हिसाब से टॉप वेरिएंट आता है उसके अंदर यहाँ पे वॉइस कमांड ऑप्शन आता है, यहाँ पे अपने को ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये अपने जो स्पीडोमीटर है वो अपने को इसके अंदर पूरा टॉप वेरिएंट वाला मिलने वाला है और जो इससे जस्ट नीचे वाला वेरिएंट आता है एलेक्सा उसके अंदर अपने को ये जो स्पीडोमीटर वगैरह पूरा एकदम अलग मिलता है देखने को। इसके अंदर अपने एकदम टॉप वेरिएंट सा लगता है पूरा और अच्छा भी लगता है इसके अंदर देख के। तो अगर अंदर की बात करें तो अपने
एकदम ठीक ठाक सा अच्छा सर मिल जाता, जैसे आदमी की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से पूरा, और अपने कोई जरूरत है नहीं। वाइपर वगैरह यहाँ पर कंट्रोल मिल जाते हैं अपने सारे पूरे मैनुअली हैं, कोई अपने ऑटोमेटिक वगैरह है कुछ भी देखने को नहीं मिलता। और कार भी अपने खुद ही भी मैनुअल के अंदर रहने वाली है, इसके अंदर अपने को मैनुअल के अंदर 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, एंड ये अपने 6th अपने रिवर्स गियर हो गया इसके अंदर। एंड अपने डोर की बात करें, डोर में आपको खोल के दिखा दो, तो डोर खोल के दिखाने के बाद अपने को यहाँ पे एक स्पीकर मिल जाता है नीचे की तरफ, और यहाँ पे अपने बोतल होल्डर एंड साइड में थोड़ी सी अपने को स्पेस आती है सामान वगैरह रखने के लिए, और यहाँ पे अपने कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला। बाकी ब्लैक पूरी थीम रहने वाली इसकी, पुरानी वाली जो थीम थी वो अपने थोड़ी अलग सी रहती थी, ब्लैक एंड मिक्स के अंदर रहती थी, या फिर थोड़ा एक अलग सा बीच का कलर रहता था, लेकिन इसके अंदर एक बीच में सिल्वर पट्टी मिलती है, बाकी पूरा टोटल ये टू जेड सारी चीज़ें अपने को ब्लैक मिल जाती है। और तो जैसे अपन ने बाहर से बात की थी, बाहर से बात की तब अपन ने देखा था इसके अंदर जो अपने ORBMs वगैरह है इनको अपने अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये इसका अपने को स्विच मिल जाता है यहाँ पे, एंड यहाँ पे अपने को लॉक एंड अनलॉक का मिल जाता है, और ये अपने जो अपने विंडोज है उनको लॉक करने के लिए मिल जाता है ऑप्शन, एंड ये अपने को चार पावर विंडोज के कंट्रोल अपने ड्राइवर गेट पर मिल जाते हैं, एंड जो ड्राइवर साइड वाली जो ये विंडो है ये अपने को ऑटोमेटिक मिल जाती है, अप एंड ऑटो डाउन मिल जाता है अपने को। तो भाई ने जो ये शीशे हैं ये ब्लैक करा रखे हैं, तो भाई आपको पुलिस ने रुकवाया तो होगा मेरे हिसाब से, रुकवाती है पुलिस तो फिर कैसे हो जाता है रेंज हो जाता है, बाकी आपको सिक्योरिटी रीजंस है उनके हिसाब से आपको चलो बढ़िया है, बाकी मेरे हिसाब से आपको कराने तो नहीं चाहिए, बाकी फिर भी अगर आपको सिक्योरिटी रीजंस है तो आप नहीं करा सकते इस चीज़ को। तो अब बात कर लेते हैं अपने गाड़ी के रियर की, तो रियर के अंदर अपन बात करें तो एक बार सीट आप आगे कर लो थोड़ी सी, स्पेस थोड़ा सा कम है इसके अंदर, ये आगे से पूरा अगर पूरा एकदम कंफर्टेबल बैठ, पूरा एकदम एकदम कंफर्टेबल एडवांस बैठता है यही ड्राइविंग, तो इसकी ये ड्राइविंग है, इस ड्राइविंग के हिसाब से अगर देखें तो पीछे अपने को फिर भी ठीक ठाक स्पेस मिल जाती है, लेकिन अपने कोई अगर बड़े जिसके पाँव वगैरह तो इनके जैसे बाइक हैं तो यहाँ ये अगर बैठेंगे तो इनके पाँव यहाँ पे टच होने लग जाएंगे, तो ये अपने को पीछे का कुछ ऐसा मिल जाता है। एंड रियर के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो रियर के अंदर भी अपने को पावर विंडो अपने को देखने को मिल जाती है, एंड टोटल इसके अंदर 4 सीट बेल्ट मिलते हैं, 5 मिलते हैं, चार सीट बेल्ट मिल जाते हैं। एंड रियर के अंदर अपने देखा जाए तो अपने कोई आर्मरेस्ट वगैरह इसके अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिलता, और पीछे अपने पार्सल जो ट्रे मिलती है ये अपने एसेसरीज का पार्ट होगा, ये पार्सल ट्रे भी अपने एसेसरीज का पार्ट है, ये अपने को एक्सपीरियंस के अंदर अपने देखने को नहीं मिलती। एंड केबिन के अंदर अगर बात करें तो केबिन के अंदर अपने कोई लाइट नहीं मिलती है, खाली अपने को फ्रंट वाली मिलती है जो कि इन्होंने वाइट के अंदर कन्वर्ट करा रखी है, तो इसको बंद कर देते हैं अपने, हैलोजन के अंदर अपने को आती है। अब यहाँ से अपन बात करें इनकी तो यहाँ पे अपने को कोई लाइट वगैरह नहीं मिलती, और यहाँ पे अपने को एक मिरर मिल जाता है देखने के लिए, और उधर की अगर बात करें तो उधर अपने कोई मिरर वगैरह नहीं मिलता, खाली अपने को एक टिकट होल्डर वगैरह मिल जाता है। तो ये अपने यहाँ की बात होगी पूरी, और अब दिखा देता है वो गाड़ी का बूट कि बूट कितना अपने को बड़ा मिल जाता है देखने को। जो गाड़ी का अगर अपन बूट देखा जाए तो बूट भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा मिल जाता है अपने को, लेकिन बूट जो है अपने यहाँ लेवल से अगर देखें तो काफ़ी बहुत ज़्यादा नीचे मिलता है अपने को देखने को, और साइड के अंदर अपने को कोई यहाँ पे कुछ टंगाने के लिए भी स्पेस मिल जाती है, एंड यहाँ अपने को जैक वगैरह का सारा सिस्टम है वो यहाँ पे इसके अंदर अपने को देखने को मिलता है, इसका अपने यहाँ पे निशान भी बना रखा है, और यहाँ पे अपने को नीचे स्पेयर व्हील मिल जाता है, और यहाँ पे अपने स्पेयर व्हील पे कुछ नहीं मिलता, ये अपने इसका स्पेयर व्हील हो गया। एंड यहाँ पे भाई ने डांकिंग वगैरह रख रखी है, ये पता नहीं अभी इन्होंने जैसे कि इनके सेफ्टी रीजंस वगैरह हो गए उसके हिसाब से इन्होंने रखी होगी। तो ये इसका कुछ रिव्यू था, यहाँ से अपन ये हैंडल मिल जाते हैं इसको बंद करने के लिए, तो इसको अपन बंद कर देते हैं। एंड ये था अपने स्विफ्ट का रिव्यू, आपको कैसा लगा भाई? संतुष्ट आप इससे? सेटिस्फाई एकदम पूरे? उतना आपको देखने को नहीं मिला इसका? चलो फिर भी, लेकिन आप इससे हाँ मतलब जो मेजर सर्विस, बाकी फर्स्ट सर्विस आपके भी होने वाली, फर्स्ट सर्विस के बाद अपन एक दोबार रिव्यू करेंगे इसके बारे में कि भाई जो फ्री सर्विस होती है उसके अंदर अपने क्या कॉस्ट आती है, फर्स्ट सर्विस के अंदर पेट्रोल वाली जो 2023 के अंदर अपने जो स्विफ्ट अपने VXI मिलती है उसके अंदर अपने पूरी बात कर लेंगे इस बारे में। तो ये कुछ इसका था, एंड एक बार मैं सोच रहा हूँ गाड़ी को स्टार्ट करके गाड़ी के इंजन की साउंड भी सुना देता हूँ आपको, आप स्टार्ट करो। तो भाई अपने गाड़ी को स्टार्ट करें और मैं बाहर खड़ा हो गया, आपको इंजन की साउंड सुनाता हूँ कि कैसे साउंड वगैरह इसकी आती है। तो ये गाड़ी अपनी स्टार्ट हो चुकी है, एंड आप देख लो एकदम पूरी साइलेंट सी मिलती है, बाहर खड़े आदमी पता भी नहीं लगता कि कार स्टार्ट भी है क्या। थोड़ी रेव करना एक बार, बंद कर। तो ये इसके अपने इंजन की साउंड थी, अपने एकदम नॉर्मल सी साउंड मिलती है, पता भी नहीं पड़ेगा आपको कि गाड़ी स्टार्ट भी है। तो भाई ये अपना रिव्यू था स्विफ्ट की वीडियो के बारे में, जो स्विफ्ट VXI वेरियंट है, जो अपने को एकदम नॉर्मल सा डिसेंट सा एकदम अच्छा सा वेरियंट मिल जाता है, एकदम मिडिल क्लास फैमिली लाइक एकदम अच्छा सा वेरियंट है। तो थैंक यू भाई संदीप, आपने रिव्यू किया उसके लिए, एंड आप स्विफ्ट लेके आए, पुराने वाले आपके पास डीजल भी है तो डीजल आपको मेरे साथ ज़्यादा अच्छी लगती होगी, तो डीजल आपके पास अभी भी है या आपने सेल आउट कर दी उसको? नहीं, नहीं, अभी भी है, डीजल भी है। टोटल आप कितनी गाड़ियाँ ऑन करते हो? 12 कार हैं भाई, पैसे वाले हैं फिर तो।
तो सारी आपके कौन कौन सी रहने वाली कारें? अपने पास में थार भी है, स्कॉर्पियो भी है, वरना भी है। तो बाइक मैं बता दूं आपको, बाइक का अपने रेंटल का भी काम है, तो मैं नीचे उसका एड्रेस वगैरह आपको नंबर वगैरह दे दूंगा सारे लिख के, तो आप भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कभी भी आपको कोई रेंटल के अंदर कार वगैरह चाहिए हो तो ये तो भाई खुद की पर्सनल कार है, बाकी रेंटल के अंदर आपको स्कॉर्पियो थार वगैरह सारी मिल जाएगी। तो स्कॉर्पियो थार वगैरह आपको वरना वगैरह जो भी चाहिए वो सारी आपको उसके अंदर रेंटल के अंदर आपको मिल जाएगी। अगर आपको किसी को चाहिए, अगर आप जयपुर के रहने वाले हो, जयपुर आ रहे हो, तो मानसरोवर के अंदर आप आके कोई मेरे साथ डॉक्यूमेंट आईडी वगैरह कुछ चाहिए, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस ये लोग जमा करते हैं, उसके बेसिस पे आपको कार दे देंगे। सिक्योरिटी मनी जमा होती है? सिक्योरिटी मनी कितनी जमा होती है? 5,000। सारी गाड़ियों के लिए? सारी गाड़ियों के लिए भैया अच्छा ऑप्शन है, 5,000 रुपये सिक्योरिटी के अंदर आपको गाड़ी दे रहे हैं। तो भाई आप किसी को अगर चाहिए हो तो आप आके इनसे ले सकते हो, मानसूर प्लाजा के पास ऑफिस है, तो आप वहाँ जाके बात कर सकते हो इनसे, एंड जो भी वहाँ आपको मिलेगा, बाकी मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लेना। और क्या नाम से वैसे आपके? अपने लीजेंड कार क्लब, लीजेंड कार क्लब नाम से है इनका इंस्टाग्राम पे पेज भी, आप उसको जाके फॉलो भी कर सकते हो, एंड वहाँ भी आप इनसे चैट के थ्रू बात कर सकते हो और उनसे लोकेशन मंगा सकते हो आप। और ये था अपना रिव्यू स्विफ्ट का, एंड आपको कैसा लगा आप मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। नेक्स्ट अगर हो सका तो मैं वरना वगैरह जो भी इनके पास है उनका भी सारों का रिव्यू करके आपको दिखा भी दूंगा। और थैंक यू भाई वीडियो देखने के लिए, उन कमेंट सेक्शन में आप बता देना कि नेक्स्ट अपने कौन सी कार का रिव्यू करें।